गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के वित्तीय बजट 2021-22 को 24 करोड़ भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वसमावेशी बजट कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की उत्कृष्ट भावनाओं से परिपूर्ण है यह बजट। कोविड काल के बीच प्रदेश में नई आशा, नई ऊर्जा और विकास की नवीन संभावनाओं को उड़ान देने का माध्यम बनेगा। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद सीएम योगी पत्रकारों से मुखातिब थे। सीएम ने पेपरलेस बजट पेश कर नया इतिहास रचने के लिए वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में हर घर को नल, हर घर में बिजली, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने के संकल्प निहित हैं। यही नहीं, यह बजट हर गांव में ग्राम सचिवालय, कॉमन सर्विस सेंटर, बीसी सखी के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना, सामुदायिक शौचालयों में महिलाओं को रोजगार जैसे प्रयास न केवल महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन को नवीन आयाम मिलेगा बल्कि हर गांव को डिजिटल बनाने की दिशा में अहम भूमिका भी निभाएगा। कोरोना काल में राजस्व संग्रह में आई समस्याओं के कारण वित्तीय अनुशासन की महत्ता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बजट प्रावधानों को समग्र और समावेशी विकास तथा विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के प्रयासों को तेज करने वाला इज ऑफ लिविंग तथा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को जमीन पर उतारने वाला करार दिया। पत्रकारों से संवाद करते हुए सीएम योगी ने बजट में किसान दुर्घटना बीमा योजना में किसानों के परिजन और बटाईदार को शामिल करने, असंगठित क्षेत्र के करीब 1 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, एनीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, सभी मंडलों में सैनिक स्कूल और एक एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, असेवित जिलों में पीपीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना, जल जीवन मिशन योजना को विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी विकास, अयोध्या और कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना सहित सिविल एविएशन के क्षेत्र में नई उड़ान भरने वाली नीतियों, पंचायत स्तर पर एनजीओ के सहयोग से निराश्रित गोवंश आश्रय के विकास और लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के प्रस्तावों को प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला बताया। विधानसभा के तिलक हॉल में पत्रकारों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने सिविल सेवा, नीट, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए प्रयासरत युवाओं के लिए खास तौर पर शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को लेकर युवाओं और अभिभावकों के उत्साह का जिक्र भी किया। सीएम ने योजना अंतर्गत युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को उपयोगी बताया और कहा कि इससे बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मित्रों, मैं आज के इस महत्वपूर्ण बीसी में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य के पहले पेपरलेस बजट के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज से हमारी कैबिनेट भी ई कैबिनेट हो गई है। आज प्रातःकालीन सत्र में हमारा बजट पूर्व जो कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी वह भी ई कैबिनेट थी और ई कैबिनेट के साथ ही आज आपने पेपरलेस बजट को पहली बार देखा है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं और आप सबको भी, आपने इसका आनंद लिया होगा, इसके लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। मित्रों, एक लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट के लिए मैं वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वित्त
और वित्तायुक्त श्रीमती राधा एस चौहान तथा वित्त विभाग की उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। यह बजट सबका साथ सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण प्रदेश के तीव्र धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य के लिए यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है। मैं इस शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्तायुक्त जी को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को इतने शानदार बजट के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बजट से जुड़ी हुई जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें हम सब जानते हैं कि बजट का आकार इस बार 5,50,270.78 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2020-21 के बजट से 37,410.06 करोड़ रुपए यानी 7.3% अधिक है। अगर आप देखेंगे कि COVID-19 के दौरान भी वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ लोक कल्याण की भावनाओं के साथ प्रत्येक तबके के हितों को इसके अंदर समाहित करते हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम कदम उठाए गए हैं और उसके तहत हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष COVID-19 के दौरान जिस प्रकार की स्थितियां थी उन स्थितियों में हम इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया न केवल आम जनजीवन COVID-19 के कारण प्रभावित हुआ था बल्कि अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी थी। उस दौरान भी प्रदेश ने जिस संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़कर के कार्य किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम जानते हैं कि हमारे राजस्व की प्राप्तियों में जो हमारे लक्ष्य थे उस लक्ष्य के अनुरूप उन प्राप्तियों को प्राप्त करने में हमें कुछ कठिनाई हुई। उस सब के बावजूद FRBM की जो सीमा भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने रखी है 4.5% का, हम उसको 4.17% तक ही हम लोगों ने सीमित करके रखा और उसके अंदर ही अपने इस बजट को प्रदेश के लिए सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके हम लोगों ने आज का यह बजट प्रस्तुत किया है। बजट में मुख्य रूप से
जिन चीजों की तरफ आप देखेंगे कि बजट की अपनी एक थीम होती है। उत्तर प्रदेश का यह बजट हम लोगों ने जब 2017-18 में अपना बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने वह बजट प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। 2018-19 का हमारा बजट प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित था। 19-20 का हमारा बजट मातृशक्ति को समर्पित था और 20-21 का हमारा बजट युवाओं, प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित था। तो इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहां पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बनाकर के इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। खासतौर पर जब हम कृषि क्षेत्र की ही बात करते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को विस्तार दिया गया है। इसमें अब तक किसान आच्छादित था, अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार का कमाऊ सदस्य, बटाईदार और अन्य लोगों को भी शामिल करते हुए अगर दुर्घटना से किसी ऐसे व्यक्ति की मौत होती है तो 5 लाख रुपए की सहायता इस बीमा योजना के माध्यम से उस किसान परिवार को या उस बटाईदार को या किसान परिवार के सदस्य की दुखद मृत्यु पर स्वतः ही इस योजना से प्राप्त होगी। बजट में इस बात की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो किसान परिवार आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य बीमा से कवर नहीं प्राप्त किए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का भी कवर देने का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में इस बार किया है। मित्रों, महिलाओं की दृष्टि से एक कुछ नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को व्यापक आयाम मिला है। इससे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना बड़ी लोकप्रिय हुई है, जिसमें 1.25 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी विवाह के कार्यक्रम इस योजना के माध्यम से आगे बढ़े हैं। हमने इसकी राशि को 35,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये भी विगत वर्ष किया था। इस वर्ष मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना एक नई योजना उन क्षेत्रों के लिए, उन लोगों के लिए लाई जा रही है, 6 महीने से लेकर 5 साल तक किसी भी बच्चे के लिए जो कुपोषित है उस बच्चे को सुपोषित करने के लिए, या जो बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं 11 से 14 साल तक की उन बालिकाओं के लिए जो एनीमिया से पीड़ित हैं उनके लिए भी इस बजट में एक प्रावधान किया गया है। दूसरा, एक बहुत अच्छी योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रारंभ की जा रही है और यह है महिला सामर्थ्य योजना। यह महिला सामर्थ्य योजना हम लोगों ने वर्ष 2019 में झांसी बुंदेलखंड में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का वहां पे प्रारंभ किया था भारत सरकार के सहयोग से। आप आश्चर्य करेंगे, एक वर्ष में इस योजना के साथ जुड़ी हुई महिलाओं ने 46 करोड़ रुपए का इनका टर्नओवर था और 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस महिला स्वयंसेवी समूह को वहां पे प्राप्त हुआ था। ऐसे नए स्वयंसेवी समूह और इनके माध्यम से दुग्ध क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए प्रदेश ने महिला सामर्थ्य योजना प्रदेश के अंदर प्रस्तावित की है और इस योजना के अंतर्गत हम लोग यहां पर प्रदेश के अंदर इसके लिए भी 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके अलावा
प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अन्य तमाम योजनाओं के साथ ही युवाओं के लिए, आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तमाम एक नई योजना युवाओं के लिए समर्पित की है, और वह योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने फिजिकल और वर्चुअल दो प्रकार की सुविधा के लिए अभी तक 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे व्यवस्था प्रारंभ की है, जो हमारी बसंत पंचमी से क्लासेस फिजिकली वर्चुअली प्रारंभ भी हो चुकी हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। लगभग 10 लाख लोग अब तक उससे जुड़ रहे हैं, वर्चुअली जुड़ रहे हैं फिजिकली। अभी ये संख्या, चूंकि स्थान और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को देखते हुए इसमें हम लोग उसको क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये योजना प्रदेश के अंदर लोकप्रिय हुई है और अन्य राज्यों में भी इसकी डिमांड हुई है। हम लोगों ने एक व्यवस्था इसके साथ जोड़ी है, इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह यूपीएससी का हो या प्रदेश के पीसीएस का हो या फिर बैंकिंग का हो, रेलवे का हो या फिर नीट या आईआईटी जेई के लिए या एनडीए सीडीएस के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनको हम इसका एक प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से प्रारंभ कर ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ इसमें जो भी पात्रता की श्रेणी में बच्चे आएंगे उनके लिए टैबलेट की व्यवस्था भी हम लोगों ने इस योजना के अंतर्गत आज घोषित किया है, उन्हें एक एक टैबलेट भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जो बच्चे वर्चुअली इस क्लास के साथ जुड़ेंगे उनके लिए टैबलेट आवश्यक है और टैबलेट की व्यवस्था का प्रावधान आज के इस बजट में उनके लिए किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हैं, हमारे पास लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल है, 4-3 अन्य सैनिक स्कूल प्रस्तावित निर्माणाधीन है, एक गोरखपुर में प्रस्तावित है, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे कुछ कमिश्नरी ऐसे हैं, 18 कमिश्नरी हैं और 18 कमिश्नरी में से जो कमिश्नरी शेष बची हैं जिनमें कोई सैनिक स्कूल नहीं, उसमें एक एक सैनिक स्कूल को भी हम लोगों ने आज प्रस्तावित किया है कि एक एक सैनिक स्कूल उस कमिश्नरी के अंदर किसी एक जनपद में स्थापित करने की कार्य योजना हम इसके साथ बनाएंगे। संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनकी लॉजिंग और फूटिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिससे विद्यालयों में भी उपस्थिति नहीं रहती है और साथ साथ स्वाभाविक रूप से बच्चे नहीं आ पाते हैं तो विद्यालयों में भी उपस्थिति कम रहती है और उन बच्चों के सामने भी। अब हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ की है, बजट में एक प्रावधान कर दिया गया कि जिन आश्रमों में सुविधा होगी तो गुरुकुल पद्धति से अगर वे लॉजिंग की व्यवस्था करेंगे तो उनकी लॉजिंग और फूटिंग के लिए सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी, और इसमें हम गुरुकुल पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृत पाठ्यक्रम को और मजबूती से आगे बढ़ाने के, उन बच्चों की लॉजिंग और फूडिंग की सुविधा के लिए सरकार इसमें सहयोग करेगी और ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के अंदर खेलकूद और खेल विकास और खेलकूद के लिए भी, प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पहले से हमारी योजना चली, हर गाँव में खेल का मैदान होना चाहिए, खेल के मैदान के साथ साथ ओपन जिम की स्थापना भी वहां पर हो, जिससे बच्चों के अंदर अपने स्वास्थ्य के प्रति एक नई जागरूकता पैदा हो सके, यह कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं। पीआरडी के भी सशक्तिकरण करने की दिशा में भी एक कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, और प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था कि जिस कमिश्नरी में कोई राज्य विश्वविद्यालय हमारा अभी नहीं है, 3 राज्य विश्वविद्यालय हमारे वर्तमान में प्रस्तावित हैं, एक सहारनपुर में, दूसरा अलीगढ़ में, तीसरा आजमगढ़ में। इसके अलावा जिस कमिश्नरी में कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं होगा वहां पर हम एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना वहां पर हम लोग करेंगे। इस दिशा एक बड़ा कार्यक्रम, इस बड़ी घोषणा भी इस बजट में की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हमारे 69 जनपद ऐसे हैं जिन 69 जनपदों में कोई ना कोई हमारा मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज वहां पर है और बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर उपलब्ध होती है। जिन क्षेत्रों में कोई मेडिकल संस्थान या मेडिकल कॉलेज नहीं, जिन जनपदों में, ऐसे 16 जनपद हैं, उन 16 जनपदों में भी पीपीपी मोड में हम लोग नए मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए सहयोग करेंगे। इसकी पॉलिसी हमारी तैयार हो चुकी है और बजट में इसकी घोषणा कर दी गई है। ये प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है और ये प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने में इससे काफी मदद मिलेगी। प्रदेश के अंदर
हम लोगों ने कोरोना काल खंड में इस बात को देखा होगा कि प्रदेश के अंदर संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने किस प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौरान सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी हो गई और बड़े पैमाने पर लोगों ने प्लान का रास्ता अपनाना प्रारंभ किया था। उस समय हम लोगों ने फ्री में राशन, भरण पोषण भत्ता और उनके आवागमन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य किया था। इस बार हम लोगों ने व्यवस्था की है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हम श्रम विभाग की योजनाओं से उन्हें आच्छादित करते हैं, जिनके लिए हम लोगों ने विगत वर्ष 18 अटल आवासीय विद्यालय उनके बच्चों के लिए प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। वर्तमान में उनकी भी कार्रवाई तेजी से चल रही है, जिसमें हम उन सभी बच्चों को जिनके रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके बच्चों को ला करके 6 से 12वीं तक की और आवश्यकता पड़ेगी उससे आगे की भी व्यवस्था हम करेंगे। ढेर सारी योजनाएं उनके लिए हम पहले से चला रहे हैं। श्रम विभाग के द्वारा ही उन्हें हम न केवल उन लोगों को वहां पे हम लोगों ने पहले से ही स्वास्थ्य बीमा की बल्कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी वहां पर उपलब्ध कराई है। पहली बार असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के लिए, जिनकी संख्या अगर अकेले प्रदेश के अंदर ही हम देखेंगे लगभग 1 करोड़ से अधिक है, 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक तो केवल प्रदेश में ही आए थे कोरोना कालखंड में। इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले, ठेला, खोमचा, रेड़ी लगाने वाले, पल्लेदार, कुली, ये जितने भी हैं ये असंगठित क्षेत्र के वे लोग हैं जिनका कोई पुरसा हाल नहीं। प्रदेश सरकार ने एक व्यवस्था की है कि असंगठित क्षेत्र के हर व्यक्ति को हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई करने जा रहे हैं और उन सभी को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। और साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोग असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की भी कवर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम उन्हें देने जा रहे हैं। ये बड़ी योजनाएं इस क्षेत्र में उन लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं जो लोग अब तक इन सभी योजनाओं से वंचित थे और एक प्रकार से अब अव्यवस्थित से और खानाबदोश से उनके जीवन से था, उसको व्यवस्थित बनाने के लिए लगभग 1 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के लोग और 1 करोड़ से अधिक संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूर इससे लाभान्वित होंगे। किसानों के हित के लिए एक नई घोषणा भी आज इस बजट में की गई है और वह है निराश्रित गौ आश्रय स्थलों के लिए। आप सब जानते हैं कि लगभग प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 5.5 लाख से अधिक गौवंश हमारे पास सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में उनकी व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की जा रही है, उनके खान पान की व्यवस्था, उनके रखने की व्यवस्था की गई है। लेकिन हमने इसके साथ ही एक व्यवस्था और की थी जिसमें मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना थी, इसमें भी 74,000 गोवंश को हम लोगों ने किसान परिवारों को दिया, जिसमें हम 900 रुपये हर गोवंश उस किसान परिवार को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सरकार ने तय किया है हर न्याय पंचायत स्तर पर भी एक निराश्रित गौ आश्रय स्थल होना चाहिए और इस बार बजट में निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्था के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, जिसको हम स्थानीय एनजीओ के माध्यम से उसको संचालित करने का कार्य करवाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की जो लैंड होगी ये सरकार की होगी और एनजीओ की साथ मदद के मदद से हम इसको संचालित करने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में भी हम इस प्रकार की योजना को संचालित करने का कार्य करेंगे और ये कार्य आगे बढ़ने के साथ ही वाराणसी में गोकुल ग्राम की तर्ज पर प्रदेश के अंदर भी हर न्याय पंचायत स्तर पर फिर बाद में इस गोकुल ग्राम के रूप में इस तर्ज पर इसको आगे बढ़ाने की एक बृहद कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और निराश्रित गोवंश की नस्ल सुधार की दिशा में भी एक नई कार्य योजना की घोषणा आज यहाँ पर की गई है। खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों से मुक्ति का एक अभियान प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है, टीकाकरण की कार्रवाई लगभग हम पूर्णता की ओर लेके चल रहे हैं, लेकिन ये बड़ी योजना उन लोगों के लिए की गई है। प्रदेश के अंदर व्यापारियों के लिए भी जो 5 लाख रुपए की व्यापारी कल्याण की योजना थी, अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन हो, वह भले जीएसटी देता हो या न देता हो यह बात का विषय है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन लोगों का रिटर्न भरने की ट्रेनिंग देने और 10 लाख रुपए तक की कोई दुर्घटना उनके साथ होती है, उस व्यापारी के साथ कोई कैजुअल्टी होती तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की एक कवर प्रदेश ने इसमें उपलब्ध करवाने के कार्य किया और प्रदेश ने इसमें काफी बड़ा कार्य
इस दिशा में प्रारंभ किया है। यह एक बड़ा कार्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ने का बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर उन क्षेत्रों में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां पे टेलीमेडिसिन के लिए और टेली कंसल्टेशन के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था बजट में इस बार की गई है, और इस व्यवस्था के माध्यम से हम लोग काफी बड़े स्तर पर प्रत्येक नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में हमें मदद मिलेगी। कुछ नई चीजें जो वास्तव में यहां पर उपलब्ध हो सकती हैं, लखनऊ में हम लोगों ने एक NIV पुणे की तर्ज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, जो भारत सरकार का संस्थान है और किसी भी प्रकार के वायरस के समय से पहचान करने और फिर उस वायरस के खिलाफ उस प्रकार के वैक्सीन को विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा सके, इसके लिए एक उस प्रकार का संस्थान प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर यहाँ पर बनाने की एक कार्य योजना को बजट में दिया है, जिसमें KGMU, CDRI, AKTU मिलकर के उस प्रकार का एक संस्थान लखनऊ में बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में कोविड-19 जैसा कोई अगर वायरस प्रदेश में किसी भी प्रकार का या उत्तर भारत में कहीं भी उसका अटैक होता है तो समय से हम उसकी पहचान कर सकेंगे और उस दिशा फिर वैक्सीन के निर्माण में भी ये सहायक हो सकेगा। इसके लिए एक बड़ा कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चाहे वह अटल या पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना को हो, या प्रदेश के आयुष विश्वविद्यालय का है, प्रदेश के अंदर एक नए हम लोगों ने यहाँ पे विधि विश्वविद्यालय का लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज में बनाने की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस बजट का हिस्सा बनाया है। तो साथ ही साथ KGMU में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के साथ ही एक SGPGI के लिए भी एक डायबिटीज रेटिनोपैथी की एक नई घोषणा इस बजट में की गई है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय बेहतरीन सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक नया कार्य यहाँ पर उपलब्ध कराने में काफी मदद करेगा। मित्रों, जल जीवन मिशन, हर घर नल पहुंचाने की योजना, जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के समय उत्तर प्रदेश का आच्छादन 2% से कम था और आज इसको हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, और इसलिए व्यापक कार्य योजना। हमारा ये मानना है कि अगर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाए तो आधी से अधिक बीमारी उसकी दूर हो जाती है। हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान करने में काफी बड़ी मदद हमें मिली है। इसमें हमारे दो आधार थे, एक था स्वच्छ भारत अभियान, हर परिवार के पास एक शौचालय उपलब्ध कराना, और दूसरा था शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। 38 जनपदों में प्रतिवर्ष 1200 से 1500 जिन बच्चों की मौत होती थी, 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों की लगभग 1200 से 1500 मौतें प्रतिवर्ष होती थी। पिछले चार वर्ष के दौरान अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम लोगों ने एक जो प्रयास प्रारंभ किया, उसका परिणाम है बीमारी पे 75% नियंत्रण करने और मौत पर 95% तक नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। एक बड़ी सफलता इसमें प्राप्त हुई है, और अब उसी दिशा में नए प्रयास प्रारंभ करने के लिए हर घर नल की इस योजना को भी हम, जिससे प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, बिंद का क्षेत्र हो, आर्सेनिक फ्लोराइड या खारा पानी की समस्या से जो क्षेत्र जूझ रहे हैं या जहां पे अन्य समस्याएं हैं, उन सभी को ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए लगभग 17,000 करोड़ रुपए की बड़ी व्यवस्था बजट में की गई है, जिससे हरेक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम कर सकेंगे। और केवल योजना लागू ही नहीं होना, बल्कि इस योजना को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो इस योजना के साथ जुड़ेगा उसको 10 वर्षों तक उस योजना की देखभाल करने की भी जिम्मेदारी लेनी है, ये इसके साथ जोड़ा जा रहा है। इसलिए एक बड़ा कार्य इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ इसको जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों का दायरा बढ़ा है, पहले हमारे पास कुल 653 नगर निकाय थे,
आज बढ़कर के इनकी संख्या लगभग 734 के आसपास इनकी संख्या पहुंच रही है। एक बड़ी संख्या इनकी बढ़ रही है, तो शहरी क्षेत्रों में भी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए 10 स्मार्ट सिटी भारत सरकार ने घोषित की थी। राज्य सरकार के साथ मिलकर के जो 7 अन्य नगर निगम थे उन्हें राज्य सरकार अपने खर्चे पर स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने जा रही है, और राज्य सरकार के खर्चे पर उनका यहाँ पर विस्तार, उनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना प्रदेश सरकार ने यहाँ पे प्रारंभ की है। इसके साथ ही 60 शहर हमारे ऐसे हैं जो अमृत योजना से आच्छादित हैं, वहाँ पे पेयजल के साथ साथ सेवर आदि की व्यवस्था के आगे बढ़ाने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने और शेष अन्य लोगों के लिए एफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम, जिनके पास अपने स्वयं की लैंड नहीं लेकिन वे शासन की आवासीय सुविधा से लाभान्वित हो सकेंगे, एफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, और ये बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश के अंदर ये चीज़ें आगे चल रही हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में जो सुधार हुआ है, देश ने भी दुनिया ने भी उसको सराहा है। 2016 में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, 2017 में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर आया और आज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ये प्रदेश ने जो रिफॉर्म किए हैं, हम लोगों ने हर एक फील्ड में काफ़ी सुधार किए हैं, जिससे देश के अंदर सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में प्रदेश बना है। इस दौरान आपने देखा होगा देश कोरोना कालखंड के दौरान जब हर जगह अव्यवस्था थी, लोग अपने को नहीं संभाल पा रहे थे, तब हम कोरोना प्रबंधन की बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे थे इतने बड़े प्रदेश में। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किए जिसमें देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में आया है, और यह चीन से आया है, ये निवेश चीन से उत्तर प्रदेश में आया है, जिसमें लगभग 5000 करोड़ रुपये का निवेश होने जा रहा है। प्रदेश में डाटा सेंटर पार्क की स्थापना के लिए 6000 करोड़ रुपये की ये कार्ययोजना क्रियाशील हो चुकी, यानी इसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के अंदर ऐसे ही अभी आयका का एक 5500 करोड़ रुपए के नए निवेश को लेकर के भी, जो जिनका सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है, उन पर उनके द्वारा यहाँ पर एक नए निवेश को यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हम लोगों ने इस फील्ड में जो कार्य किए हैं उसके माध्यम से इसमें काफ़ी इससे संभावनाएं इससे आगे बढ़ी हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा का एक माहौल दिया है। अपराध की प्रकृति समय के अनुरूप बदली है और प्रदेश सरकार ने इस चीज को सुनिश्चित किया है। बजट में हमने इसका प्रावधान किया है कि प्रदेश का पहला फॉरेंसिक एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे हम लोग लखनऊ में स्थापित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पर लखनऊ में ही स्थापित करने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी रेंज स्तर पर 18 रेंज हैं पुलिस के, 18 रेंज स्तर पर 18 फॉरेंसिक लैब जो लेवल 2 और लेवल 3 की हैं, इन्हें वहाँ पर स्थापित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया। तेजी से इस पर कार्य चल रहा है। प्रदेश में 2016-17 तक केवल एक साइबर थाना था, आज हम लोग हर जनपद में साइबर थाना स्थापित करने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा चुके हैं। ये प्रदेश को नए यानी समय के अनुरूप हम लोग प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों पर अंकुश कसने के लिए उस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई कर सकेंगे, ये हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम प्रदेश में रोजगार सृजन का एक बहुत सशक्त माध्यम है, और इस सशक्त माध्यम का उपयोग भी प्रदेश ने किया है और बजट में इसका प्रावधान किया है कि प्रदेश में एक तो बंद पड़ी जो हमारी कताई और स्पिनिंग मिली थी, इनको हम फिर से पीपीपी मोड में चलाने और अन्य तरीके से इनके लिए हम लोगों ने एक कार्य योजना के लिए बजट में इसका प्रावधान किया है। प्रदेश साथ ही साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ODOP की योजना को, जो देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना बनी है, इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है। और साथ साथ प्रदेश के अंदर MSME सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी
लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप जाइए अपना यूनिट लगाइए और 1000 दिन के अंदर बाकी औपचारिकताओं को आप पूर्ण करिए। ऐसा नहीं कि लाइसेंस के अभाव में या NOC के अभाव में आप अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। MSME को इससे हमने मुक्त करते हुए और उसमें अन्य जो रिफॉर्म करने थे ये भी रिफॉर्म करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है और उस दिशा में तेजी से विकास करने के साथ ही प्रदेश में जो भी इस क्षेत्र में युवा कार्य करना चाहते हैं ऐसे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में प्रावधानित की है। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप सब जानते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा इस पर विकास ये कार्य लगभग 80% पूर्ण होने जा रहा है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस पर लगभग 50% का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग 25% से अधिक कार्य हमारा यहाँ पर तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे इसकी कार्य योजना को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और अब हम एक नए एक्सप्रेसवे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यह है गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक। एक बड़े एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो अवशेष हमारी इंटर स्टेट या इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है उसको 4 लेन से जोड़ने के लिए भी, हमारे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों को भी 4 लेन से जोड़ने के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में आज तक कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है उस हर गांव को भी सड़क की कनेक्टिविटी से प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से या फिर प्रदेश सरकार की ही किसी योजना के माध्यम से जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है। और हर गांव डिजिटल होगा, आपने देखा होगा हर गांव में ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही है। कोरोना कालखंड में ही हमने इसे आगे बढ़ाया था। हर एक गांव में कॉमन सर्विस सेंटर बना करके और कॉमन सर्विस सेंटर में ही अब गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये गांव में ही डिजिटली प्राप्त होगा। इसके साथ ही हर गांव में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, गांव की हर एक महिला को गांव में ही रोजगार मिलेगा और अब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में ही गांव में अपनी सेवा दे पाएगी, लोगों को बैंकों तक जाने और बैंकों के सामान्य कामकाज को और समय को बचत करने में एक बहुत निर्णायक भूमिका, क्रांतिकारी निर्णय इस क्षेत्र में एक तो लिया गया है। दूसरा, हर गांव में एक सामुदायिक शौचालय में भी गांव की एक महिला को रोजगार देने के लिए भी कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है, यानी रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कार्य इस क्षेत्र में हुआ है। लेकिन साथ ही हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया है। आप सब जानते हैं एयर कनेक्टिविटी में अयोध्या में हमारा जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में CM डेवलप करने जा रहे हैं और यहाँ की कनेक्टिविटी को बेहतर, यहाँ पर हम लोगों ने एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर हमारा एक कार्य चल रहा है। अयोध्या एक एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा, इसको बाद में एक हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करेंगे। जेवर एयरपोर्ट पहले वहाँ पे केवल वहाँ पे एक व्यवस्था थी कि वहाँ पे जो केवल 2 वहाँ पे एयर स्ट्रिप बनेंगे, लेकिन अब उससे बढ़ा करके 6 तक विस्तार देने के कार्य योजना के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। जेवर का हमारा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वहाँ पे विकास की उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने को एक नया स्थान उसमें प्राप्त होगा, चाहे वह फिल्म सिटी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, फिल्म सिटी को वहाँ पर आगे बढ़ाने का हो, वहाँ पर एक IT सिटी के रूप में उसे डेवलप करने के लिए भी एक नई कार्य योजना के साथ हम लोगों ने वहाँ पे कार्य प्रारंभ किया है। हम लोगों के इसके अलावा प्रदेश के अंदर कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वाराणसी और लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले से ही भारत सरकार कार्य कर रही है, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र ये सभी क्षेत्र भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे और इसके लिए प्रदेश सरकार तेजी के साथ, जितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश ने इस फील्ड में काम किया है देश के अंदर अन्य राज्यों में इस प्रकार का कार्य इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य किया है।
प्रदेश के अंदर पुलिस के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उनके लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए भी एक बड़ा कार्य प्रदेश ने इस बजट में भी उसकी व्यवस्था की है। और जितनी भी अवस्थापना सुविधाओं का विकास वहाँ पर होगा, आवासीय सुविधाओं का विकास होगा, इन आवासीय सुविधाओं का विकास महान क्रांतिकारी शहीद रोशन सिंह के नाम पर हर पुलिस लाइन में, हर पुलिस थाना में और हर एक पुलिस चौकी में ये अवस्थापना जो सुविधाओं का विकास, आवासीय सुविधाओं का विकास पुलिस के लिए किया जा रहा है, इन सभी के साथ उनको जोड़ने का कार्य हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर ये सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं, ये बड़े स्तर पर कार्य हुआ है। लेकिन साथ साथ अपने देश के क्रांतिकारियों और देश के शहीदों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए चौरी चौरा महोत्सव हो, शताब्दी महोत्सव के माध्यम से हरेक क्रांतिकारी स्थल पर हरेक शहीद स्थली के पुनरुद्धार, सुदृढ़ीकरण और सुंदरीकरण की कार्य योजना को भी प्रदेश सरकार ने अपने बजट का हिस्सा बनाया है। प्रदेश में सर्विस सेक्टर की अनंत संभावनाएं हैं और इसमें रोजगार की भी अनंत संभावनाएं हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज कुंभ आपके सामने है, प्रयागराज कुंभ के माध्यम से कैसे जहां पर महाकुंभ के समय में केवल 12 करोड़ ही श्रद्धालु और पर्यटक आ पाए थे, थोड़ी सी व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की, स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत किया, 24 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु उसी प्रयागराज कुंभ में वहां पर आए। अयोध्या दुनिया के अंदर एक नए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप हुआ है। जो फुटफॉल है अयोध्या का अगर आप देखेंगे अद्भुत है और बहुत उसको देख करके वास्तव में यानी अकल्पनीय है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है इस फील्ड का बेहतर उपयोग करने के लिए, हमें हमारे पास व्यापक संभावनाएं इस फील्ड की और खासतौर पर इस जो रिलीजियस जो हमारे पास टूरिस्ट है या श्रद्धालु है उसके लिए अयोध्या है, काशी है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, निमिष है, विंध्यवासिनी धाम है, दैवपाटन धाम है, सुख तीर्थ है, इन सभी के समग्र विकास के साथ यानी यहाँ पे जनता को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें और यहाँ पे आस्था का भी सम्मान हो सके, इसके विकास की एक कार्य योजना तो हमने ली है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत भी हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है कि प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म की जो संभावनाएं, हेरिटेज टूरिज्म के लिए जितनी संभावनाएं हैं इन सभी को हम आगे बढ़ा सकें। चाहे वह आपने देखा होगा एक दीपोत्सव के कार्यक्रम ने या एक रंगोत्सव के कार्यक्रम ने बरसाना और वृंदावन को किस रूप में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, देव दीपावली ने काशी के देव दीपावली को कैसे दुनिया के अंदर एक नए इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया है, ये सारी चीजें हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस पूरे बजट में अनुसूचित जाति के लिए भी, जनजाति के लिए भी, पिछड़ी जाति के लिए भी पर्याप्त धनराशि व्यवस्था, उनके पुनरुद्धार और उनके कल्याण के लिए शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। लेकिन साथ ही साथ लखनऊ में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना हो सके इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था इस बजट में यहाँ पर इस बजट में इसका भी प्रावधान किया है। यानी अगर हम कहें कि यह बजट प्रदेश की 24 करोड़ भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रदेश के अंदर हरेक सेक्टर के समग्र विकास को और एक सर्वसमावेशी विकास को ध्यान में रखकर के बनाया गया है, मैं एक लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट के लिए अपने वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, वित्त राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त श्रीमती राधा चौहान जी को और वित्त विभाग की पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई देता हूँ। और एक अच्छे बजट के लिए जिसमें अधिवक्ताओं के लिए भी और समाज के प्रत्येक तबके के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, पत्रकारों के लिए तो पहले हम व्यवस्था कर चुके हैं, नहीं आवासीय सुविधा मीडिया के लिए तो आवासीय सुविधा की भी और स्वास्थ्य बीमा का हम पहले ही कवर दे चुके हैं, व्यवस्था दी आगे हो चुका, बढ़ चुका है, बढ़ चुका हमारे स्तर पर पहले हो चुकी है, बेहतरीन व्यवस्था उसमें की जा रही है, बेहतरीन व्यवस्था होगी। आप सबके सहयोग के लिए एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।
अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बजट प्रदेश के समग्र विकास को और सर्वसमावेशी विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।